दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं अच्छी हूँ, ज़बरदस्त हूँ। आप सभी कैसे हो ज़रूर मुझे बताना। पिछले दिनों देखा कि आपने हमारे गांव में उस तरफ रोड का काम चल रहा था, उस तरफ रोड बन गया है, एकदम मेटल हो चुका है। अब इस तरफ काम चल रहा है और इस वजह से क्या हुआ है कि हमें लाना है सामान और हम नहीं ला पाएंगे वहाँ तक। तो अभी तो मैं चलती हूँ, देखते हैं कैसे कैसे होता है। अभी मैं जा रही हूँ टापरी, आपको तो पता ही है हमारा नियर बाई जो स्टेशन है जहाँ पर हमें सब कुछ मिलता है, मतलब नॉर्मल बेसिक चीज़ें जो हमें मिलती है हमारा टापरी है। तो चलते हैं, अभी हार्डवेयर की शॉप में जाते हैं। एक्चुअल में मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि मैं किचन गार्डन का आपसे वीडियो शेयर करूँगी, वो मैं वीडियो शेयर कर नहीं पाई आप लोगों से, तो उस वीडियो को शेयर मैं बाद में करूँगी। उसके लिए ही अभी कुछ काम है। एक्चुअल में ना पानी की कुछ प्रॉब्लम है, तो अभी मैं पानी की पाइप लाने जा रही हूँ। आगे आप साथ साथ वीडियो देखते रहना। फिलहाल मैं हार्डवेयर की शॉप में पहुँच गई हूँ, चलो देखते हैं आप कैसे कैसे चीज़ें करते हैं। यहाँ देखिए मैंने पाइप आपको दिखा दी। ये देखने का मन लग गया भैया। ये थी 500 लीटर की टंकी ना, और मुझे चाहिए थे 1000 लीटर की। ये देखिए फिलहाल ये ले जाते हैं, और बाकी पाइपें तो इन्होंने डाल दिया। ये मैं ले गई पाइप पे 300 मीटर। अब देखते हैं, जगह का कुछ आइडिया नहीं लग रहा है। वैसे तो मैंने सोचा था 200 मीटर तो ऑलरेडी मेरे पास पाइपें थी, बाकी मैं देखती हूँ क्या क्या होता है, क्योंकि ये सेम ही साइज़ के नहीं है, इसके बाद फिर दूसरे साइज़ के पाइपें। तो ये देखिए यहाँ पे टायर चेंज कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ना पापा ने स्प्रे दवाइयाँ ला के ना यहाँ नानू के पास छोड़ा था। देखिए परे बैठे ना, दिख रहे हैं आपको दूर, ये मेरे नानू ने तो वो आ रखा था, वो लेके आई। मैं अभी एक शॉप तक जा रही हूँ, एक्चुअल में बाद में बताऊँगी। फाइनली जैसे तैसे करके सिंटेक्स यहाँ पहुँच गए। लेकिन देखिए ज़रा, आप देखिए मौसम हम पे मेहरबान हो रहा है, अगर बारिश हो जाती ना तो बहुत अच्छा। अभी मम्मी और मैं जा रहे हैं, अभी हमने नया किचन गार्डन बनाया है। ये वीडियोस में आपने देखा होगा कि हमारा जो किचन गार्डन था पहले यहाँ था, यहाँ से था, तो अब तो यहाँ पे हम किचन गार्डन बना नहीं सकते हैं। तो अभी हमने ये जो आपको दिख रहा है आगे एक घर सा दिख रहा है, ये यहाँ से आगे हमारा एक खेत है, तो वहाँ पे हम अब अपना जो किचन गार्डन है वहाँ बनाएंगे। और ये देखो टमाटर और गोभियाँ। आपको मैं हमारा नया किचन गार्डन दिखाती हूँ। ये देखो ये हमारा किचन गार्डन, ये खेत हमारा, ये देखो हमने अभी यहाँ पे जो लेके आ रही थी ना मैं, वो मैंने यहाँ डाल दिया। यहाँ देखो मम्मी, ज़्यादा मम्मी को नहीं दिखा सकते, मम्मी को फिर गुस्सा भी आ जाता है क्योंकि मम्मी को नहीं पसंद है कैमरे के सामने आना। ये देखो इसमें लाया था ना, वो डाल दिया। टमाटर हमने ऐसे ऐसे कोने से डाल दिए। ये है आपका आलू, वहाँ पर कोने में क्या है मम्मी? नप्पा है ना, वहाँ पे पालक है। और इसमें देखो मैंने कुछ टाइम पहले वो डाला था ना, खीरे डाले थे। ये देखो यहाँ से इसमें घास भी उग गए। यहाँ देखो खीरे मैंने डाले थे और सारे के सारे खीरे उग गए। तो ये हमारा नया किचन गार्डन, और यहाँ से परे किसी और का। ये देखो ये है, ये जौ है आपका। मैंने तो चौकोबार ले लिया, आपने क्या लेना है चेक कर रहे हैं। हमारे एक व्यूवर ने ना कमेंट किया था किन्नर कैलाश गए या करके, आप हम नहीं गए किन्नर कैलाश, पर ये नहीं गए, हम दर्शन कर लेते हैं। हाँ मतलब हम जाने की हिम्मत नहीं पड़ी कभी, हम दर्शन यहीं से कर लेते हैं। किन्नर कैलाश और यहाँ पे सेंटर, यहाँ देखो फूल खिले। देखो दीदियों ने ना इतने अच्छे अच्छे फूल डाले, देखो कैसे फूल खिल रहे हैं। और यहाँ भी देखो, हाँ भी देखो, मुझे ना ऐसे फूलों की भी चाहिए, बड़े अच्छे लगते हैं। देखो ये देखो, वाह ये फूल देखो कितने सुंदर है। अरे ठंगी जा रही होगी अभी बस, नहीं नीचे धर्मशाला जाती है ये, वो होगी धर्मशाला होगी, ये हमीरपुर लगी आगे, ये शायद धर्मशाला है। बस कहाँ जा रही है? सांगला। हम लोग को इसमें जाना चाहिए पता है, सांगला। सांगला क्यों जा रही है ये? जाने
ये जाती है वहाँ से कल्पा के लिए। जब हमने सांगला जाना है ना तो यहाँ से जाती है कल्पा के लिए क्या परे से जाती है? यहाँ से जाती है परे से जाती है, ये यहाँ से परे जाएगी। देखिए पीछे मैंने पीठ में उठाए हैं जो ये मैंने वैसे मैं कंधे में भी उठा सकती थी लेकिन मेरी मम्मी बोलते ना कई बार कि अपने आप को ना ज़बरदस्ती कष्ट नहीं देना चाहिए, सुविधा लेना चाहिए। ये क्या होता है ना शॉल, शॉल हमारे किन्नौर में बहुत यूज़ में आता है तो मैं शॉल में लेके इसको पिसवाने जा रही हूँ मशीन में। तो अभी मैं अब मुझे डर लग रहा है अमीषा से क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सारे फ़ोन भी किए हैं तो वो बोलेंगे कि मुझे ऐसे हमेशा आग लगी होती है जाने की और फ़ोन ले जाने भूल जाती क्योंकि हम दूसरे फ़ोन से बनाते हैं ना उसमें अच्छी आती है क्लियरिटी और इसमें अच्छी नहीं आती है। ये हमारे गांव का न्यू पंचायत भवन है, देखिए और ये आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, यहाँ शॉप भी है। क्या है थोड़ा बहुत गप्पे शप्पे मारने के लिए लोग अक्सर नज़दीक वैसे शॉप में इकट्ठे हो जाते। जो दादाजी है ना मशीन वाले ये बहुत मेहनती हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते रहते हैं ये ना, बिजी रहते हैं। किसी और का भी पीस के रखा है, पड़ी वापस और मैं जाऊंगी शॉर्टकट रास्ते से। पाइपों की संख्या ये देखिए, और आजकल पानी ना कम हो गया है, पाइपें इतनी ज्यादा है लेकिन पानी पानी देखिए कि चश्मे का पानी ना अच्छा होता है बहुत। और ये हमारे यहाँ गांव के जो महेश्वर जी हमारे देवता जी के पुजारी हैं वो आते हैं यहाँ सुबह सुबह, ये देखिए इतना अच्छा बना है। पानी पी लेती हूँ जब मैं आ गई हूँ तो, ये पानी भी कितना अच्छा ठंडा ठंडा। मैं ना आपको एक बात बोलना चाहती हूँ, मैंने ना काफ़ी दिनों से ये चीज़ नोटिस किया है। मैंने क्या नोटिस किया है कि अगर आपने लाइफ में कुछ सोचा है कि मुझे ये काम करना है, चाहे वो काम छोटा हो चाहे वो काम बड़ा हो, समाज में लोग उस काम को जिस भी नज़रिए से देखते हो, लेकिन अगर आप ये सोच के अपने सपनों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे ना, अरे ये काम कैसा मैं कर सकता हूँ, लोग क्या बोलेंगे, अरे इसमें पैसा बहुत कम है, अगर आपकी इच्छा है आपको लगता है कि आप उस काम में परफेक्ट है, वो काम आप बहुत अच्छे से करते हैं, तो आपको वही काम करना चाहिए। पहले ये सोच के कि उसमें पैसा ज़्यादा है उसमें पैसा कम है वहाँ लोग क्या बोलेंगे लोग क्या नहीं बोलेंगे, क्योंकि मैंने देखा है लाइफ में ना जहाँ हम अपने सपनों से कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं ना, ये सोच के कि लोग क्या सोचेंगे क्यों सोचेंगे क्यों, क्योंकि मेहनत तो आपको हर क्षेत्र में करना है। हो सकता है आपको लगे कि ये जॉब कम्फर्टेबल है वो जॉब ज़्यादा अच्छा है वहाँ पर ज़्यादा पैसा, अगर आप ये सोच के ना वो जॉब करोगे तो एक चीज़ आप नोटिस करना वहाँ पर मेहनत आपको करना है। उदाहरण मैं यहाँ देख रही हूँ जैसे यहाँ हार्डवेयर की शॉप है मेरे पीछे, मैं इन्हें ही देख रही हूँ कितना काम करें कितना बिजी है सुबह से शाम तक बिजी है, लेकिन अगर इनका दिल खुश है ना वो काम को करके तो ये काम भी बहुत अच्छा है। और अगर आप सोचे ना कि मैं गवर्नमेंट जॉब करूँगा, ज़बरदस्ती टेस्ट दे रहे हो नहीं निकल रहा है, अपने मन को मार के ज़बरदस्ती वो काम कर रहे हो ना, और अगर एक आप जॉब ले भी लोगे ना तो आप खुश नहीं रहोगे। तो कहने का मतलब है कि मेहनत तो आपको वहाँ भी करना है, गवर्नमेंट सेक्टर में काम करो चाहे प्राइवेट सेक्टर में काम तो वो भी कराएंगे, सरकार ऐसे तो नहीं आपको बिठाते रखेंगे, आपको काम वहाँ भी करना है। तो लॉजिक है अपने आप को मारने का, अपने सपनों को मारने का कि कोई क्या बोलता है कि मेरी फैमिली क्या बोलते हैं लोग क्या बोलते हैं उसमें ज़्यादा स्टेटस है इसमें कम स्टेटस है, तो मुझे लगता है ये सब बातें ना फालतू होती है। एक समय बाद अगर आप इंडिपेंडेंट हो ना आप कुछ भी काम कर दो, चाहे आपका काम बहुत छोटा हो लेकिन आप खुद कर रहे हो वो काम और आपका दिल है उसमें आपको खुशी मिलती है तो वही काम करना चाहिए। मैंने तो ये फील किया इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ।